हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल STS ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, STS का मतलब होता है स्प्रिंग टूल सूट। राइट, दिस टूल इज जस्ट लाइक इक्लिप्स की ऐसा ही टूल होता है। और यदि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आप क्रिएट करना चाहते हो तो STS इज द वेरी गुड चॉइस। ऑफकोर्स आपका इक्लिप्स है तो इक्लिप्स में भी STS प्लगइन आप इंस्टॉल करके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन STS आप यूज करेंगे तो यू विल हैव लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ बेसिकली ऑटो सपोर्ट्स इज प्रोवाइडेड बाय द STS, और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगा जो प्लगइन इंस्टॉल करके आपको नहीं मिलेगा। राइट, तो चलते हैं और देखते हैं कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल STS ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है STS डाउनलोड, सिंपल ये मैसेज देना है। और यू कैन सी वेरी फर्स्ट वेबसाइट spring.io, तो इसे आपको ओपन करना है क्लिक करके। और STS की जब भी हम बात करते हैं तो थ्री वैरायटी में आता है। पहला इक्लिप्स के लिए आता है, एक दूसरा होता है विजुअल स्टूडियो कोड, और तीसरा THEIDI के लिए। हम जो देख रहे हैं वो इक्लिप्स के लिए देख रहे हैं। हियर यू कैन सी स्प्रिंग टूल्स फॉर इक्लिप्स। यहाँ तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग आपको STS मिलेंगे। हमें रिक्वायरमेंट है विंडोज के लिए, तो हम विंडोज पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जार फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आई एम गोइंग टू कैंसिल इट क्योंकि हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इसका साइज काफ़ी ज़्यादा है। और मैक या लिनक्स के लिए आपको चाहिए तो क्रॉसपॉन्डिंग लिंक पे आपको क्लिक करना है। राइट, एक बार डाउनलोड आपका हो गया, राइट, तो डाउनलोड हो गया, जैसे डाउनलोड होगा तो कुछ ऐसा जार आपको देखने को मिलेगा। राइट, और डाउनलोड हो गया तो इसे आप क्या करो कि इसे कॉपी करके किसी पर्टिकुलर ड्राइव में, किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करके वहाँ पेस्ट कर दो, तो ऐसा कुछ आपको जार दिखेगा। राइट, जिसका साइज काफ़ी ज़्यादा है, 500 MB के आसपास होगा मेरे ख्याल से। सॉरी, लुक एट द साइज, 546 MB इसका साइज है। राइट, ऑलमोस्ट हाफ जी बी से भी अबव है। राइट, तो जैसे आप ये जो जार है उस पर सिर्फ डबल क्लिक आपको करना है तो अनपैकिंग शुरू कर देगा। डबल क्लिक करना है सिंपली, आपको वेट करना है सो दैट, हाँ, यहाँ देख सकते हो कि अनपैकिंग स्टार्ट, अनपैकिंग स्प्रिंग टूल सूट लिखा हुआ ऊपर है। राइट, तो ये अनपैक करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अनपैकिंग देखो कि कंप्लीट हो चुका है। जब अनपैकिंग कंप्लीट हो गया तो इसके अंदर जाना है, इस फोल्डर के अंदर spring tool suit 4.exe होगा, तो इस पर क्लिक करना है। ये वर्जन 4 है, तो जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्प्रिंग टूल सूट 4 मैं यूज कर रहा हूँ, दिस इज द लेटेस्ट वन एज ऑफ नाउ। तो इसका GUI वगैरह एग्जैक्टली इक्लिप्स जैसा ही है। यदि आप इक्लिप्स पे काम करना जानते हो तो इजीली यू कैन वर्क ऑन दिस। अब मैं वर्क स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, आई विल गो इन द डी ड्राइव एंड आई हैव जावा वर्क स्पेसेस। इस फोल्डर में मैं क्या करता हूँ, वर्क स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड से स्प्रिंग बूट वर्क स्पेस _1। राइट, अब मैं जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन, आप डायरेक्टली चाहो तो डी ड्राइव में या किसी भी ड्राइव में डायरेक्टली वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो। राइट, और उसके बाद लॉन्च पे क्लिक करना है, आपको लॉन्च पे क्लिक करना है तो स्प्रिंग टूल सूट या STS ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है। राइट, बहुत ईजी है, आपको जस्ट पहले अनपैक करना है, exe पर क्लिक करके इसे ओपन कर देना है। लुक एट द GUI इज एग्जैक्टली सेम एज द इक्लिप्स। राइट, अब इसमें प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड ऑल हम सब्सक्रिबेंट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।